वेल गाइस, आज है मेरे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज रोहित शर्मा की तरफ से, विराट कोहली की तरफ से, सूर्य कुमार यादव की तरफ से और मोहम्मद शमी की तरफ से और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स की तरफ से। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को मिस मत करना। जो कोई भी वीडियो पहली बार देख रहा है लाइक और सब्सक्राइब करके जाए। चलिए बात कर ले हमारी स्टोरी के बारे में। हमारी पहली स्टोरी निकल कर आ रही है रोहित शर्मा की तरफ से। आप लोगों ने रोहित शर्मा की 2-0 पारियों के बाद 121 नाबाद वाली पारी तो देख ली होगी और जो दो बैक टू बैक सुपर ओवर हुए उसका पूरा क्रेडिट जाता है रोहित शर्मा को। आप लोग ने देखा होगा रोहित शर्मा बहुत ही कम उतरते हैं सुपर ओवर में। इसी के पर राहुल द्रविड़ ने कहा कि रोहित शर्मा को सुपर ओवर में उतारने का पूरा प्लान अश्विन भाई का था। पहले रोहित शर्मा की बात कर ही रहे, तो वैसे आप लोगों को पता है रोहित शर्मा को अभी बुलाया नहीं गया है राम मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए, उसको लेकर भी बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं उनको। और तो और मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी भी चली गई, सभी लोगों ने रोहित शर्मा को हल्के में ले लिया था। और आप लोगों को तो पता है रोहित शर्मा का बैक टू बैक 2-0 पे आउट हो जाना। रोहित शर्मा का एक वीडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है, वो अंपायर से बात करते हुए नजर आ रहे थे। आप लोग ने मैच देखा होगा तो उसके अंदर जब बैट को बॉल लग के जाती है 4 के लिए तो अंपायर वहां पे लेग बाई दे देते हैं। रोहित शर्मा बोलते हैं, अरे वीरू तूने लेग बाई दिया क्या, लेकिन बॉल तो बैट को लग के जा रही है, वैसे पहले ही मेरे नाम के पीछे 2-0 लग चुका है। अंपायर और रोहित शर्मा हंसने लग जाते हैं। तो गाइस रोहित शर्मा बन चुके हैं पहले क्रिकेटर स्कोर 5 T20 I 100। आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके बताएं। और जब गाइस रोहित शर्मा ट्रॉफी लेके आ रहे थे, वो ट्रॉफी लाके रिंकू सिंह और जायसवाल को दे देते हैं। बाकी रिंकू सिंह डिजर्व करते हैं और भाई साथ साथ रोहित शर्मा भी डिजर्व करते हैं सबसे ज्यादा। और गाइस बता दूं, जो अफगानिस्तान के साथ हमारा मैच हुआ वो मैच बन चुका है एक ऐतिहासिक मैच, जो कि बहुत सालों में ऐसा एक मैच देखने मिलता है। बाकी आप लोगों को ये मैच में मजा आया कि नहीं कमेंट करके जरूर बताना। हमारी नेक्स्ट स्टोरी निकल कर आ रही है विराट कोहली की तरफ से। तो गाइस आप लोग ने विराट कोहली का ये सुपरमैन वाला फील्डिंग देख लिया होगा, तो इसी के ऊपर रिप्लाई दिया है इरफान पठान ने। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, जसप्रीत बुमराह विद हायर स्पीड जंप, और वहां पर विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को भी मेंशन किया। वैसे बुमराह के साथ ये मैच तो कर रहा है, बुमराह भाई को मेंशन किया है, बुमराह भाई भी शॉक हो गए होंगे, कहीं विराट कोहली मेरी बॉलिंग भी ना चुरा ले। लेकिन भाई विराट कोहली की फील्डिंग मानना पड़ेगा, मैच विनिंग फील्डिंग किया विराट कोहली ने, बहुत सारे रन भी बचाए और एक थ्रो भी दिया बहुत अच्छा वाला, जिसमें एक विकेट भी मिली थी। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। वेल गाइस विराट कोहली की बात कर ही रहे, तो आप लोग ने विराट कोहली के फैन को देख लिया होगा जो ग्राउंड में आके उनको हग कर लेते हैं। तो जब वो फैन अपने घर पे गए तो उनके घर वालों ने कैसे स्वागत किया आप लोग फोटो में देख सकते हो। गाइस हर एक फैन की इच्छा होती है वो अपने मतलब फेवरेट प्लेयर से मिल पाए और उनको हग कर पाए और सबसे मेन तो उनका ऑटोग्राफ ले पाए। बाकी आप लोग के सबसे फेवरेट प्लेयर कौन है कॉमेंट करके बताना। हमारी नेक्स्ट स्टोरी निकल कर आ रही है सूर्य कुमार यादव की तरफ से। सूर्य कुमार यादव की दो वीडियो है, जो की एक फनी वीडियो है और एक बहुत ही ज्यादा सीरियस वीडियो। पहले आप लोगों को फनी वाली वीडियो दिखा देता हूँ। गाइस ये वीडियो जर्मनी का है, आप लोग वीडियो में देख सकते हो वहाँ से स्नो गिर रहा है ऊपर से और वहाँ का टेम्परेचर -1 degree है। तो वो अपनी वाइफ को बोलते हैं ये स्नो है, तो उनकी वाइफ भी बोलती है हाँ स्नो तो है। सूर्य कुमार यादव क्या बोलते हैं आप लोग खुद ही देख लो वीडियो। इधर है, इसको स्नो बोलते हैं क्या? कचरा तो नहीं गिर रहा बिल्डिंग के ऊपर? तो गाइस मैंने बताया एक सीरियस वीडियो भी है सूर्य कुमार यादव का, तो शायद वो जर्मनी में ऑपरेशन कराने के लिए जाते हैं उनकी इंजरी का। जैसे उनकी सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है वो फटाफट से मैच देखने लग जाते हैं, मतलब कुछ ही मिनट के बाद। वो मैच किसका देखते हैं आप लोग को तो पता ही होगा, और वो मैच और किसी का नहीं रोहित शर्मा का मैच। यहाँ गाइस सूर्य कुमार यादव मिस कर रहे होंगे रोहित शर्मा की इस शानदार पारी को। और सूर्य कुमार यादव के सर्जरी के ऊपर युजवेंद्र चहल की वाइफ ने लिखा, गेट वेल सून। ऐसे बहुत सारे लोग ने भी मतलब विश किया कि मतलब सूर्य कुमार यादव फील्ड पे बहुत जल्दी आ जाए। मैं भी चाहूंगा भाई सूर्य कुमार यादव जल्दी से जल्दी फील्ड पे आ जाए। तो आप लोग क्या सोचते हो सूर्य कुमार यादव के बारे में कमेंट करके बताना। हमारी नेक्स्ट स्टोरी निकल कर आ रही है मोहम्मद शमी की तरफ से। मोहम्मद शमी अभी हाल ही फिलहाल में मिले हमारे देश के जवानों से और उनके साथ बहुत सारी बातचीत भी की और बहुत सारी फोटोज भी ली। उसी फोटोज को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, मुझे भारतीय होने पर बहुत ज्यादा गर्व है और हमारे सैनिक को उनके सम्मान और साहस के लिए सलाम। चलिए बात कर ले हमारे नेक्स्ट स्टोरी के बारे में। हमारी नेक्स्ट स्टोरी निकल कर आ रही है महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से। महेंद्र सिंह धोनी का ये वाला शूज आप लोग ने देख लिया होगा, जिस शूज के अंदर लाइट लगा है। बहुत सारे फैंस महेंद्र सिंह धोनी को थोड़ा ट्रोल कर रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी किसके साथ घूम रहे हैं आजकल। तो एक पोस्ट के अंदर पूछा गया, ये धोनी भाई आजकल किसके साथ रहने लग गए हैं। बहुत सारे लोगों ने क्या रिप्लाई दिया आप लोग देख सकते हो। तो एक भाई ने ट्वीट करके लिखा, इस नल्ले के साथ। तो एक भाई ने लिखा, छपरी के साथ बोलूंगा तो कुछ लोग भड़क जाएंगे। फिर एक भाई ने लिखा, जल्द ही माही भाई का भी एक रैप आने वाला है। एक भाई ने लिखा, जीवा ने चूज किया होगा ये वाला शूज। आपको पता है जीवा कौन है? महेंद्र सिंह धोनी की बेटी। तो यार गाइस उनकी बेटी का भी पसंद हो सकता है, तो सो महेंद्र सिंह धोनी ने इसलिए वो शूज पहना होगा। कि आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना यार। हमारी नेक्स्ट स्टोरी निकल कर आ रही विराट कोहली फैंस की तरफ से। तो आरसीबी टीम के जो पार्टनर्स है उन्होंने सलार मूवी के सक्सेस के ऊपर अपने पार्टनर्स को शॉर्ट आउट दिया है और लिखा, अ बिग शॉर्ट आउट टू अवर पार्टनर्स हम्बल फिल्म एंड द स्टेलर कास्ट ऑफ सलार फॉर द बॉक्स ऑफिस। अपने फोटो में देखा होगा सुपरस्टार प्रभास भी खड़े हैं। पता नहीं ये जर्सी विराट कोहली का है किसका है, बट या जर्सी दे रहे हैं तो पता नहीं विराट कोहली का भी हो सकता है और वो लोग उनके बिजनेस पार्टनर्स हैं, तो उनके लिए जर्सी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो बात कर ले हमारे नेक्स्ट स्टोरी के बारे में। हमारे नेक्स्ट स्टोरी निकल कर आ रही ऋषभ पंत की तरफ से। फाइनली गाइस आप लोग पिक्चर्स में देख सकते हो
कैसे ऋषभ पंत प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे नेट्स में, और वो गए थे विराट कोहली से मिले, रोहित शर्मा से मिले और भी बहुत सारे इंडियन प्लेयर के साथ मिले। तो यार गाइस ऋषभ पंत का कमबैक बहुत ही जल्दी आप लोग को देखने मिले। तो यार गाइस आप लोग को एक सब्सक्राइबर मुझे कमेंट करके बताना आप लोग इस साल के आईपीएल में कौन से एक टीम को एज अ विनर देखना चाहते हो। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब और लाइक करके जाना।